मैं राग यमन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और जो अपने विद्यालय में स्टूडेंटों को बता रहा हूँ। राग यमन नीरेगा से शुरुआत है इसकी और इसकी पकड़ की तान पामारेगा ये पकड़ की तान है। वादी सुर इसका गंधार है और संवादी सुर निषाद। ये सारी बातें राग की असलियत की हैं और जो इन चीजों को समझ के करता है उसका राग एकदम सही रहता है। जो गुणी जनों ने और उस्तादों ने जिस ढंग से गाया बजाया है और हमें बताया है वो भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है सुर, सुर का लगाना। सुर की को लगाना जब आ जाता है स्टूडेंटों के साथ तो सुर समझ में आ जाते हैं सारे गामा पाधा निसा। उसके बाद उनको ये सारी चीजें बताई जाती है और ये शास्त्रीय संगीत ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्टूडेंट को यमन बता दिया और कल फौरन उसको राग भोपाली बता दिया, दूसरे दिन उसको शुद्ध कल्याण बता दिया। ऐसे यमन कल्याण ठाट है उसमें बहुत सारे हैं। तो स्टार जो है वो यमन से ही कराया जाता है इस वजह से कि इसमें सारे सुर जो हैं वो शुद्ध हैं। वो स्टूडेंट के समझ में जब आ जाते हैं तब उसके बाद फिर आगे की बात चलती है कि जैसे बिलंबक की अस्थाई है वो उनको समझाती है, उसके ठेके की बोल उनको समझाती है, फिर उसमें थोड़ी सी और विस्तार जिसको विलंबक कहते हैं वो थोड़ा सा उनको कराया जाता है। उसके बाद है दुरत तीन ताल, उसकी अस्थाई बता दी जाती है। उसके बाद उसमें उनकी सरगम पलटे ये सारी चीजें जो है कराई जाती हैं जिससे उनका हौसला बढ़ता रहे। इसी सूरत से इस विद्यालय में हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी सही तरीका जो है राग का उसको याद करें, उसको सीखें, तभी जाके वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। इस बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।